दोस्तों, एक बार आमिर खान ने मजाक मजाक में माधुरी दीक्षित के साथ कुछ ऐसी हरकत कर दी थी कि वह उनके पीछे हॉकी लेकर दौड़ पड़ी। ये बात है 1990 में आई फिल्म दिल की शूटिंग के दौरान की। इस फिल्म में आमिर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी खूब पसंद की गई। एक रोज़ इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने एक्ट्रेस के साथ एक प्रैंक किया। दरअसल आमिर खान अपने काम को परफेक्शन के साथ करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्हें प्रैंक मास्टर भी कहा जाता है। वे अपने को स्टार्स के साथ काफ़ी मजाक करते हैं। ऐसे मजाक उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ कर दिया, लेकिन इसके बाद माधुरी दीक्षित का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर ने माधुरी से कहा, मैं हाथ देखकर लोगों के बारे में बता सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने माधुरी दीक्षित का हाथ देखना शुरू किया। फिर आमिर हाथ देखते हुए उनसे कहने लगे, तुम काफ़ी इमोशनल हो, तुम लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेती हो और इस कारण वो तुम्हें बेवकूफ़ बना देते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ। और ये कहते ही आमिर ने उनके हाथ पर थूक दिया। बता दें कि इस किस्से के बारे में आमिर खान ने खुद फरहान अख्तर के शो ओए इट्स फ्राइडे में बताया था। आमिर खान ने कहा था कि मेरा मजाक माधुरी दीक्षित को पसंद नहीं आया था और वो गुस्से में हॉकी लेकर मेरे पीछे मुझे मारने दौड़ पड़ी थी। बता दें कि इस किस्से का जिक्र एक बार सोशल मीडिया पर माधुरी दीक्षित ने भी किया था।